अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? आई होप सब मज़े में होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्मोकी तंदूरी कीमा, और ये कीमा इतना स्पाइसी और मज़े का बनता है कि आप लोग जब ये एक दफ़ा बना लेंगे ना, तो फिर आप लोग इसी अंदाज से कीमा बनाया करेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके साथ साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मोकी तंदूरी कीमा बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, बीफ का कीमा मैंने लिया है 500 ग्राम। सेम यही रेसिपी आप मटन या चिकन के कीमे में भी बना सकते हैं। दही मैंने लिया है 1/2 कप। प्याज मैंने लिए 1 मीडियम साइज़ की चॉप की हुई। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। टमाटर मैंने लिया है 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ। हरा धनिया लिया है कटा हुआ 3 से 4 चम्मच भर के। कोयला हमें चाहिए होगा स्मोक देने के लिए। स्पाइसेस में जो चीज़ें मेरे पास है, नमक मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च लिया है 1/2 टेबल स्पून, जीरा पाउडर लिया है 1 टीस्पून, खुश धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर लिया है 1 टीस्पून, और तंदूरी मसाला पाउडर लिया है 1.5 टेबल स्पून। क्योंकि आज हम तंदूरी कीमा बना रहे हैं, इसलिए तंदूरी मसाला इसमें लाजमी ऐड कीजिएगा। 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है साबुत ज़ीरा। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है लेमन जूस, और 2-3 मैंने हरी मिर्ची ली थी जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है जी। तो सबसे पहले हम कीमे को मैरिनेट करेंगे, तो उसके लिए मैंने ले लिया है एक बाउल। इसमें सबसे पहले हम कीमा डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो कीमे के बाद हम डालेंगे इसमें दही, फिर इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस, और ये सारे स्पाइसेस जो मैं आपको बता चुकी हूँ जी। तो अब इन सब चीज़ों के साथ कीमे को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जी तो यहाँ सारे स्पाइसेस मैंने अच्छे तरीके से कीमे में मिक्स कर लिए। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, लेकिन आप 1 से 2 घंटे के लिए भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप मैरिनेट करेंगे उतना ही ये कीमा अच्छा बनेगा जी। तो जब तक हम लोगों ने कीमे को मैरिनेट किया है, हम अपना बाकी का काम कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ले लिया है एक बर्तन, और इसमें 1/2 कप ऑफ ऑयल ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो ऑयल ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले ज़ीरा, और इसको सोटे कर लेंगे जी। तो यहाँ मैं कर रही हूँ ज़ीरे को सोटे। जैसे ही ज़ीरे की खुशबू आने लगेगी, ज़ीरे की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है, तो तब हम ऐड कर देंगे इसमें प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो अब हम प्याज को फ्राई करेंगे, लेकिन प्याज का हमने ज़्यादा डार्क कलर नहीं निकालना, सिर्फ ये लाइट पिंक सा कलर हमने इसका निकालना है, और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे टमाटर जी। तो यहाँ प्याज का कलर पिंक सा आ गया है, अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर, और साथ ही इसमें जाएंगी हरी मिर्चें कटी हुई, और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे, और तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते जी। तो यहाँ टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेटेड कीमा। तो कीमे को मैरिनेट किए हुए मुझे 1/2 आवर गुजर चुका है। बस जी, अब इसको मिक्स कर लेते हैं जी। तो यहाँ अब हम कीमे की बुनाई करेंगे। अभी मैंने फ्लेम हाई कर दी है, क्योंकि कीमा जो है वो अपना पानी रिलीज करेगा जी। जनाब, तो यहाँ आप देखिए कीमे ने काफ़ी पानी रिलीज कर दिया है। तो अभी इस स्टेज पे इस पानी को ड्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कीमे की एक खास स्मेल होती है। तो जैसे ही हम इस पानी को ड्राई करते हैं, वो जो इसकी स्मेल है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है साथ ही जी। तो यहाँ कम्प्लीटली पानी ड्राई हो चुका है कीमे का। अभी तक फ्लेम हाई थी, और हाई फ्लेम पे मैंने इसका पानी ड्राई किया है ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। और अब मैंने फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम कर दी है, और लो टू मीडियम फ्लेम पे अब हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। तो बस 5 मिनट तक मैं इसकी भुनाई करूंगी, उसके बाद मैं इसे कवर लगा दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए जी। तो यहाँ 5 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई कर ली है, और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है तंदूरी कीमे की। तो जनाब जी, आपने भी इसे लाजमी ट्राई करना है, बहुत ज़बरदस्त कीमा बनने वाला है हमारा। और यहाँ आपने अपने स्पाइसेस जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे नमक मिर्च तो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसे कवर कर दूंगी लो टू मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि कीमा जो है वो अच्छी तरीके से हमारा सॉफ्ट हो जाए जी। तो यहाँ तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं, कीमे को मैंने कवर करके रखा हुआ था तकरीबन 20 मिनट के लिए, और अब मैंने इसका कवर हटा दिया है, और आप देख सकते हैं कीमा जो है वो ऑलमोस्ट हमारा डन है। और इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत है, और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो बस अब आते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। अब मैं इसे कोयले का स्मोक दूंगी। तो यहाँ मैं एक फॉइल पेपर रख दूंगी,
जी, तो यहाँ कोयला रख देते हैं और इसके ऊपर एक दो कतरे हम ऑयल के डाल देंगे और बस इसको हम कवर लगा देंगे। जी जनाब, तो 5 मिनट गुजर चुके हैं मुझे कीमे को दम दिए हुए, बस अब कोयला हटा देंगे। जी तो बस यहाँ हमारा तंदूरी कीमा तैयार है, अब इसे हरे धनिया से गार्निश कर देंगे। तो बस अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी जनाब, तो यहाँ हमारा स्मोकी तंदूरी कीमा तैयार है और ये इतना चटपटा और स्पाइसी बना है। इसमें जो हमने लेमन ऐड किया है वो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर दे रहा है और जो तंदूरी मसाला है उसकी तो क्या ही बात है, बहुत ही चटखारेदार बना है हमारा कीमा। आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा, एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो तो डेफिनेटली आपको पसंद आई होगी क्योंकि रेसिपी तो बहुत अच्छी है, तो इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो अब चलती हूँ, अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।